अप्रैल से अयोध्या में श्री राम मंदिर के प्राण प्रतिष्ठा में आने वाले अतिथियों को देने के लिए अयोध्या दर्शन की 10,000 पुस्तक वाहन के साथ रवाना किया गया। आपको बता दें कि अयोध्या में 22 जनवरी को भगवान श्री राम के मंदिर का प्राण प्रतिष्ठा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के द्वारा किया जाएगा, जिसको देखते हुए पूरे देश सम्मान में अयोध्या आ रहा है। इसी क्रम में गीता प्रेस के द्वारा 22 जनवरी को भगवान श्री राम के मंदिर के प्राण प्रतिष्ठा में आने वाले अतिथियों को प्रसाद के साथ देने के लिए 10,000 अयोध्या दर्शन की किताब को शुक्रवार को गीता प्रेस से अयोध्या के लिए भेजा गया। वहीं इस संबंध में गीता प्रेस के ट्रस्टी देवी दयाल ने कहा कि हम लोगों ने वाहन का बकायदा पूजन अर्चन किया है। इसमें 10,000 अयोध्या दर्शन की किताब है। इसमें श्री राम मंदिर के प्राण प्रतिष्ठा में जो विशिष्ट लोग आएंगे उनको ये अयोध्या दर्शन की किताब प्रसाद के साथ दिया जाएगा। इस बात की हम लोगों को बहुत खुशी है। ये पुस्तक 10,000 घरों में जाएगी और 10,000 लोग इस पुस्तक को पढ़ेंगे, अयोध्या के बारे में जानेंगे। इसमें कुल 4 पुस्तकें हैं, जिसमें 1972 का प्रकाशित रामांक, गीता, दैनंदिनी, अयोध्या महात्य व अयोध्या दर्शन की किताब है। उन्होंने कहा कि 22 जनवरी को प्रधानमंत्री के साथ गर्भगृह में बहुत सारे लोग रहेंगे। इसमें अलग से रामचरितमानस भी भेजा जा रहा है, जो कि आर्ट पेपरों में छपी है, जिसमें 300 भगवान राम के लीलाओं के चित्र हैं, जो कि लोगों को काफी पसंद आएगा। इसके लिए हम श्री राम जन्मभूमि ट्रस्ट को धन्यवाद देते हैं कि गीता प्रेस से भेजे हुए उपहार को स्वीकार कर रहा है। इस संबंध में गोरखपुनी से बात करते हुए गीता प्रेस के ट्रस्टी देवी लाल ने कहा, दयाल जी गोविंद का भाई जी हनुमान प्रसाद जी पोद्दार, श्री राम सुखदास जी महाराज, इन संतों ने मिलकर इस वृक्ष को सींचा है, बढ़ाया है, बनाया है और उनका उद्देश्य आज पूरा हुआ है। आज जो 22 जनवरी आने वाली है, जिसमें रामलला अपने नवनिर्मित स्थान पर विराजित होंगे, सारी दुनिया में इसका हर्ष है और संतों का संकल्प पूरा हो रहा है। इसलिए ये अतिशय उत्सुकता, अतिशय उल्लास का समय है जो हम आज इस दिन को देख रहे हैं। थैंक यू सर। वर्ष पूर्ण हो चुका है और इस समय भगवान राम का, श्री राम लला का अयोध्या में अपने स्थान में स्थापित होना ये बहुत बड़े हर्ष का विषय है और इस शताब्दी वर्ष में ये शुभ दिन आया है, जिसके लिए गीता प्रेस की स्थापना का लक्ष्य पूरा हुआ और बड़े ही हर्ष का विषय है कि आज हम उसमें शामिल होने के लिए, उसमें वहाँ के लोगों को गीता प्रेस की पुस्तकें वितरित करने के लिए गीता प्रेस से सहस्त्रों की संख्या में पुस्तकें जा रही हैं, जो वहाँ के आने वाले अतिथि हैं उनको उपहार स्वरूप वितरित की जाएंगी, एवं जो अति विशिष्ट लोग हैं उनके लिए भी कुछ 51 पुस्तकों का गुच्छ अलग से भेजा गया है, एवं जो गर्भगृह में जो महानुभाव रहेंगे उनके लिए भी चित्र में श्री रामचरितमानस भेजी गई है। और ये सब भेजते हुए गीता प्रेस परिवार अपने आप को अति धन्य महसूस कर रहा है कि राम काज में गीता प्रेस का भी योगदान रहा भी है और आज प्रत्यक्ष रूप में दिखाई दे रहा है। जन जन प्रफुल्लित है और जन जन इस दिन को देखने के लिए बहुत ही उत्साहित था और बहुत ही चिरकाल से प्रतीक्षा कर रहा था, और आज ये हम लोगों के जो यहाँ उपस्थित हैं उनके लिए भी बहुत ही हर्ष का विषय है कि आज ये दिन हम लोगों को देखने को मिल रहा है। इसके लिए भगवान को अतिशय धन्यवाद है जो उन्होंने हम लोगों को ये दिन देखने के लिए इस धराधाम पर अपने सामने उपस्थित किया। और इसी भावना के साथ गीता प्रेस की पुस्तकें अवध धाम में जा रही हैं, जहाँ इनका वितरण भक्तजनों में किया जाएगा।